हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों को लर्निंग सेंटर अड्डा में। दोस्तों, हम लोग आज से बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। वो भी केवल जीके और जीएस से। हम लोग जितनी भी क्वेश्चन है प्रत्येक सेट वाइज लेके चलेंगे, और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और कैसा लगा ये सेट प्रैक्टिस वो भी बताइएगा। चलते हम लोग सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निम्नलिखित निभाता है, यानी इनमें से कौन से जो है केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में भूमिका ज़्यादा निभाता है। तो केंद्र, पहला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर देखेंगे, योजना आयोग, बी नंबर वित्त आयोग, सी विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, और डी नंबर है अंतर्राष्ट्रीय परिषद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पीत आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। दो नंबर उपन्यास पिंजर के रचयिता कौन है? पिंजर एक उपन्यास है, उसकी राइटर कौन है? तो भाई वीर सिंह, बलवंत गार्मी, खुशवंत सिंह और अमृता प्रीतम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमृता प्रीतम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तीन नंबर विश्व में हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकार को संकल्पना ग्रहण की है, यानी मूल अधिकार जो है किस देश से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, यूके, कनाडा, यूएसए और यूएसए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि संविधान के मूल अधिकार जो है हम लोग का यूएसए से लिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार नंबर कि किस भारतीय अभिनेता को उसकी ब्रिटिश फिल्म उद्योग के उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ब्रिटेन की महारानी द्वारा ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर द्वारा सम्मानित किया गया है? तो चार अभिनेता के नाम दिया गया है, ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह, आमिर खान और अमिताभ बच्चन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओम पुरी। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहाँ आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है, दो पार्टी सिद्धांत विकसित नहीं है, राष्ट्रपति प्रणाली संसदीय प्रणाली का संयोजक है और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जहाँ पर दो पार्टी सिद्धांत विकास विकसित नहीं है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय मृग वनों से किसमें से बाघ विलीन हो गए हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, जिम कार्बेट, कार्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, मानस टाइगर सेंचुरी और सरिस्का सेंचुरी। तो चार ऑप्शन में से देखिए दोस्तों, इसमें से कौन हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं मृग वनों में से क्या है, बाघ विलीन के लिए कर रहा है, तो सरिस्का वन जी हो जाएगा, सेंचुरी ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर देखेंगे। 39वीं पैरेलल अक्षांश किन देश दो देशों के बीच की सीमा है? यहाँ 39वीं सीमांत अक्षांश रेखाएं किन किन देशों के बीच अवस्थित है? तो चलते हैं, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, यूएसए और कनाडा, उत्तर और दक्षिण वियतनाम, थाईलैंड और म्यांमार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी यूएसए और कनाडा। 39वीं पैरेलल अक्षांश रेखाएं जो होती हैं यूएसए और कनाडा के बीच अवस्थित है। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, बाबर और इब्राहिम लोधी, अकबर और हेमू, औरंगजेब और तैमूरलंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। नेक्स्ट नंबर तो क्वेश्चन को देखेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी का सबसे मान्य कारण कौन सा है? तो ऑप्शन देखेंगे,
चार को ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए निरक्षरता, भूमि पर जनसंख्या का अतीव दबाव, औद्योगिकरण का अभाव और गरीबी। तो चार ऑप्शन में से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भूमि पर जनसंख्या का अतीव दबाव, यानी भूमि पर जनसंख्या ज़्यादा होना, इसलिए वहाँ पर क्या है बेरोजगारी की मात्रा हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा है ग्रामीण क्षेत्रों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्रेडिट रेटिंग का प्रयोग अग्रिम मंजूर करते समय उधारकर्ता के रेटिंग के लिए किया जाता है। कर्मचारियों के कार्य निष्पादन की गणना के लिए किया जाता है। बैंक में होता है, व्यापार में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अग्रिम मंजूर करते समय उधारकर्ता के रेटिंग के लिए किया जाता है, उस समय क्या आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर देखेंगे। भारत के संविधान का प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। भारत के संविधान में की प्रस्तावना में कितनी बार इसका संशोधन किया गया है, तो एक बार, दो बार, तीन बार और कभी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक बार, यानी एक बार अभी तक इसका संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से ग्रीस के किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो सेलुकस, मेगास्थनीस, सिकंदर और डोरियस। तो ये जानेंगे कि ग्रीस के किस शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। तो ये सेलुकस निकेटर द्वारा ये युद्ध हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हरिजन सेवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, श्रीमती एनी बेसेंट और राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर देखेंगे, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 41वां, 42वां, 91 और 92। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, यानी 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया है, नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर, अर्थव्यवस्था में थोड़े थोड़े अंतराल में दो बार आने वाले मंदी को क्या कहते हैं, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में थोड़े थोड़े अंतराल में दो बार आने वाली मंदी को क्या कहते हैं, डबल डिफ्लेक्शन, डीप रिसेशन और डबल डीप रिफ्लेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डबल डीप रिसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है और इसका कार्यकाल कितना होता है। तो सभी लोग जानते हैं कि इसके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है और इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को, सार्क का सचिवालय कहाँ है। सार्क का सचिवालय कहाँ है, तो कोलंबो, काठमांडू, माले और ढाका। तो इस क्वेश्चन का आंसर सार्क का सचिवालय काठमांडू, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है। तो लज्जा लज्जा की तस्लीमा नासरीन सही है, द गोल्डन गेट, विक्रम सेठ ये भी सही है, ए सुटेबल बॉय, ये दिलीप कुमार ये भी गलत है, ए सुटेबल बॉय के हैं, विक्रम सेठ हैं, यानी एक और दो सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह कौन सी है जो कुल यातायात का लगभग 1/5 भाग संभालती है। तो कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और विशाखापट्टनम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
निम्नलिखित में से किन स्थानों पर तेल की प्रसंस्करण शालाएँ स्थापित है, यानी कहाँ कहाँ पर जो है तेल निकाले जाते हैं? तो बरौनी, नूनमती, कोयली, डिगबोई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है कि ए, बी, सी और डी तीन, यानी चारों जगह बरौनी जो भी तेल शोध कारखाना है, नूनमती भी है, कोयली है महाराष्ट्र में, डिगबोई असम में है, बरौनी ये जो झारखंड बिहार में है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।